हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो होने वाली है आ रिव्यू वीडियो एंड इसमें मैं रिव्यू देने वाली हूँ मेबिलीन के न्यू लॉन्च कॉम्पैक्ट पाउडर का। इन्होंने अपनी पुरानी वाली पैकेजिंग को चेंज किया एंड कुछ इंग्रेडिएंट एंड काफी कुछ चीजें चेंज की हैं, तो ये सभी कुछ मैं डिस्कस करने वाली हूँ एंड इसका स्वॉच भी मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इसको ट्राई करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, जो इन्होंने पुरानी पैकेजिंग में मेंशन किया था वही सारी चीजें हैं, बट इन्होंने पैकेजिंग के कुछ पैटर्न चेंज किए हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं, डिसेंट है। तो इन्होंने अपनी ब्रांड का नेम लिखा है एंड उसके अलावा इसमें लिखा है कि मैट प्लस पोरलेस, एंड इन्होंने क्लेम किया है कि अप टू 60 हार्ट तक आपके ऑयल को कंट्रोल रखता है एंड इसमें आपको SPF 32 PA ट्रिपल प्लस मिलता है। इसका प्राइस है 259 रुपीज एंड इसका क्वांटिटी है 6 ग्राम। उसके अलावा इसमें आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मिल जाएगी, तो अगर आप इंग्रेडिएंट चेक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर मैं मेबिलीन के पुराने वाले कॉम्पैक्ट को इससे कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो कि मैट प्लस पोरलेस दोनों ही कॉम्पैक्ट है, बट इसमें जो इसका पहले वाला पैकेजिंग था उसमें आपको अप टू 12 हार्स तक ऑयल कंट्रोल मिलता था, जबकि जो नया वाला पैकेजिंग इन्होंने किया है तो उसमें अप टू 16 हार्स तक आपको ऑयल कंट्रोल मिलता है। पुराने वाले पैकेजिंग में आपको SPF 20 PA ट्रिपल प्लस मिलता था, नए वाले में आपको SPF 32 PA ट्रिपल प्लस मिलता है। तो ये कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं, बाकी शेड्स आपको सारे ही वैसे मिलेंगे, शेड्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। प्राइस में डिफरेंस है, जो पहले वाला कॉम्पैक्ट था उसका प्राइस था 225 रुपीज़ एंड जो अभी इन्होंने नया लॉन्च किया उसमें है 259 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो प्रोडक्ट को देख लेते हैं, तो कुछ इस तरह का दिखता है, इसके पुराने वाले पैकेजिंग से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है देखने में। इस पे भी इन्होंने सेम चीज़ मेंशन की है, फ्रंट में इन्होंने ब्रांड का नेम लिखा है एंड बैक पे इन्होंने प्राइस और इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखी हुई है, तो आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें एक मिरर मिलता है एंड एक स्पंज मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ईजिली आप इससे अपने टचअप कर सकते हैं एंड इससे अप्लाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है जिससे कि आप अप्लाई ना कर सके, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, सॉफ्ट है, तो आप इससे ईजिली अप्लाई कर सकते हो। और इसमें मेरा शेड है 115 आइवरी। अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हो तो आप ये वाला शेड ले सकते हो, अगर आप येलो या फिर वार्म अंडरटोन के हो तो आप इनका 128 वार्म न्यूट शेड भी ले सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे शेड इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हो एंड ये लोकल मार्केट में भी इजीली मिल जाएंगे। काफ़ी सारे शेड है तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। अभी मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ, तो आप देख लो, ये मेरे बिल्कुल स्किन से एग्जैक्टली सेम शेड है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है देखने में, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता। अगर आप इसको डेली बेसिस में यूज़ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो एंड आप इसको पार्टीज़ में भी यूज़ कर सकते हो। इसकी कवरेज मीडियम है, बट आपको इसको परचेज करते टाइम एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये जो कॉम्पैक्ट है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, मेबिलीन के सारे कॉम्पैक्ट एंड फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होते हैं, तो आपको हमेशा अपने स्किन टोन से एक शेड लाइट लेना है, जिससे जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो आपकी स्किन से एग्जैक्टली सेम मैच होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 128 वार्म न्यूट दिखाया, तो आपको उससे एक शेड लाइट लेना है, तो आप 115 आइवरी ले सकते हो, इस हिसाब से आपको लेना है, जिससे ऑक्सीडाइज होने के बाद वो आपके स्किन से बिल्कुल मैच करे। एंड सभी स्किन टाइप वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इन्होंने क्लेम किया हुआ है कि आपके ऑयल को अप टू 16 हार्स तक कंट्रोल रखता है, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये आपके ऑयल को 6 to 7 हार्स तक ईजिली कंट्रोल करता है। उसके बाद आपको टचअप्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट हाँ ऑयल को अच्छे से कंट्रोल करता है एंड बिल्कुल मैट लुक देता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये वाला कॉम्पैक्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ये नेचुरल फिनिश देता है, मीडियम कवरेज है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पसंद है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें SPF भी है, तो आप इसको एवरीडे लुक में भी यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये मुझे काफ़ी पसंद आया, इसकी कवरेज, इसकी फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ये मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो कोई अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट है। आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड स्किन केयर मेकअप से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।